Good day to all, and a very warm welcome to my channel. My channel name is Harita Sadrani. I am explaining you Standard 4th State Board History Subject Shiva Chhatrapati. Today, I am going to explain you lesson number 9 Pratap Kad Makes History, Part 3. I have explained Till here in the part 1 and part 2 of this lesson from page number 34. So today I am going to start with the remaining part of this lesson. So listen to it very carefully. Next paragraph before the meeting. On the day of meeting, Shivaji visited Bhavani's temple in the morning and took darshan. Okay, Shivaji, Ma Bhavani ke goddess Bhavani ke mandir ke. Hai, और उनके दर्शन लेके उनका आशीर्वाद लिया सोन आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरी मोन मोनियल क्लोथ सेरी मोनियल क्लोथ्स ही वोन सुरवार एंड कोट ऑफ माइल ओवर द कोट ऑफ माइल ही वोर अ कुर्ता एंड अ फॉलोइंग रूप ऑन हिज हेड ही प्लेस अ चिरेटोप हेलमेट एंड टाइड अ मंडिल Around it, he fitted Wagner onto the fingers of his left hand, and hidden inside the left sleeves was a bichwa. And he carried Patta on his hand. He was now ready to face Afzal, He was ready to face the Khan. Okay. तो शिवाजी ने इसमें क्या क्या तैयारी की कैसे खुद को तैयार किया उनको एक ऐसे अफजल खान से मिलना था जो बहुत ही जाइंट थे मतलब हम जैसे मैंने पहले बताया वो एक पहलवान थे हाइट बॉडी उनकी काफ़ी अच्छी थी अफजल खान की शिवाजी के कंपैरेटिव बहुत ताकतवर थे इसलिए शिवाजी को बहुत सारी तैयारी करके जानी पड़ी और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि शिवाजी अकेले मिलेंगे अफजल खान से राइट उनके साथ बॉडी तो होंगे ट्वेल्व बॉडी लेकिन वो उनके कुछ दूर तक खड़े होंगे और शिवाजी के साथ अंदर सिर्फ एक उनका सेवक जाएगा ओके तो ऐसे में शिवाजी को काफ़ी तैयारी करनी थी अपने आप को अफजल खान से बचाने के लिए शिवाजी को पता नहीं था कि अफजल खान के मन में क्या है लेकिन इतना ज़रूर पता था कि अफजल खान जो यहाँ पर आया है जो मुझसे अभी मीठी मीठी बातें कर रहा है जो उसने मीठी मीठी बातें ख़त में लिखी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में मुझे माफ़ कर रहा है या सच में उसके दिल में मेरे लिए प्यार है अपनी सुरक्षा के लिए शिवाजी ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया तो उन्होंने पहले तो अपने पोशाक को तैयार किया अपने आप जो पहना है ओके okay? उसको उन्होंने कैसे तैयार किया वो देखो सेरिमोनील क्लोथ्स मतलब द ड्रेस इज़ क्लोथिंग वोन फॉर अ स्पेशल ओकेजन सच एस कॉरोनेशन ग्रेजुएशन परेड्स एनी रिचुअल है ना रिचुल्स में कुछ ट्रेडिशन ड्रेस हम उसे बोल सकते हैं एक ऐसा ड्रेस जो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए पहना जाता है अब उन्होंने सुरवार पहना मेटल कोट ऑफ मेल्स मतलब ये ये ऐसा कोट ऑफ मेल होता है जो जाली से जालीदार होता है बना होता है मेटल से लोखंड से लेकिन जाली वाला होता है ओके आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा उन्होंने अपने हाथ में ओके हाथों के अंदर ये वागनक पहने ये बहुत मशहूर है ओके शत्रु पे छुपके से अटैक करने के लिए वागनक नख मतलब हम बोल सकते हैं शेर के नखुन ओके ये शेर का पंजा फिर ये बिछवा रखा उन्होंने अपने हाथ में छुपाकर जो स्लीव्स में लेफ़्ट हैंड के स्वी uh, हाथ के अंदर कपड़े के अंदर ओके लॉन्ग स्लीव्स के अंदर बिछवा एक छोटा सा चाकू बहुत धार धार चाकू ये उन्होंने चिरे टोप पहना एक हेलमेट जो मेटल से बना होता है ओके okay? और ये दान पट्टा उन्होंने अपने साथ में लिया तो इस तरीके से शिवाजी ने अपने आप को ड्रेसअप किया ताकि वो उस महाकाय अफजल खान से लड़ सके या खुद को बचा सके देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया अफजल खान कितना महाकाय है राइट एकदम जाइंट है और शिवाजी बहुत हाइट में भी उनसे काफ़ी छोटे हैं कंधे तक आ रहे हैं और हेल्थ वाइज भी उनसे काफ़ी छोटे लगते हैं वीक ऐसे कमज़ोर ये बहुत ताकतवर लगते हैं ये कमज़ोर तो अपने आप को इस महाकाय जॉइंट से बचाने के लिए उन्हें पूरी तैयारी की ये जो आ, उनका जो मुकुट है राइट उसके अंदर उन्होंने हेलमेट पहना फिर ये जो बड़ा पोशाक है रोप ओके यहाँ पर उसके अंदर उन्होंने ये कोट ऑफ माइल पहना अपने हाथ में वाक नक यहाँ पर पहने एक यहाँ अंदर की तरफ उन्होंने बिछवा छुपा के रखा और तलवार तो वो साथ में लेके ही चले थे राइट तलवार शायद जो लेके गए होंगे उनको बाहर ही रखनी पड़ेगी इस अंदाज़ से या इस उनको अंदाज़ा आया होगा कि अगर मैं दान पट्टा या ऐसा कुछ कैरी करूँगा तो ज़रूर मुझे उसे शामियाना के बाहर या मीटिंग रूम के बाहर रखना पड़ेगा मेरे हथियार को इस बड़े हथियार को तो इसलिए उन्होंने वागनक और बिछवा जो एक छोटा चाकू था वो अपने साथ रखा ताकि अपने आप को अफजल खान के अटैक से वो बचा सके पूरी तैयारी के साथ वो अफजल खान से मिलने गए नाउ शिवाजी वॉज़ फुल्ली प्रिपेयर टू मीट अफजल खान ही हैड ड्रेस्ड हिम ओके सेरेमोनियल ड्रेस्ड And he came to meet his Sardars or came to meet his Maulas. Let's see what he said to his Maulas. All Sardars were waiting outside. Shivaji turned to them and said, Friends, each one of us must carry out the duties assigned to you. I am sure the goddess Bhavani will see that we succeed. But if things go wrong and I am killed, do not lose the heart. Install sambaji on the Gadi. Follow the commands of Saheb. Fight for the Swaraj and extend its boundaries. Make the subject happy. I shall go now and meet Khan. To kaha? what Shivaji said to his friends or to his Mawaras or to his Sardars. Okay. He said the way of address you will see here. Uh, ही एड्रेस दम पैसे फ्रेंड्स यू वॉज सो क्लोज और यू वॉज सो मच यू नो हम हम उसे कह सकते हो कि अपने लोगों से इतना प्यार करते थे वो उनको सिपाही या सरदार नहीं मानते थे उनको अपना मानते थे इसीलिए उनको उन्होंने दोस्त कहा फ्रेंड्स इफ सम गोज रॉन्ग ओके पहले तो उन्होंने कहा कि आप में से हर एक अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पालन करेगा कुछ अगर गलती होती है कुछ ऊँच नीच होती है अगर मैं मारा जाता हूँ ओके अगर मैं पकड़ा जाता हूँ या मारा जाता हूँ तो प्लीज़ आप दिल छोटा मत कीजिए या आप दुखी मत होइए तुरंत संभाजी जो उनके बेटे थे उसको राजगद्दी पे बिठा दीजिए और माँ साहिब यहाँ पर जीज़ाबाई माँ साहेब की आज्ञा का पालन कीजिए मतलब राजा तरीके संभाजी बैठेंगे और जो भी माँ साहेब जीजाबाई कहेंगी उनके आज्ञा का आपको पालन करना है स्वराज्य के लिए लड़िए और स्वराज्य की जो बाउंड्रीज है उनको आप आगे बढ़ाइए और लोगों को खुश रख रखिए लोग सब्जेक्ट मतलब प्रजा प्रजा को खुश रखिए देखिए शिवाजी ने क्या कहा वो शिवाजी सेट टू सरदास To carry out their duties assigned to them. Goddess Bhavani's blessings are with them. They will definitely succeed in this mission. But if something goes wrong, they should not lose their heart or they should not feel sorry or sad. But immediately they should make Sambhaji the next king and make him sit on the Gadi. Listen to the commands of ma sahib jizabai follow the commands of ma sahib jizabai extend the boundaries of swaraj okay, and keep the people happy keep the people of the maharashtra happy work for their happiness and welfare and he said now i am going to meet the afzal khan he was accompanied by his wakil, pantaji Gopinath and 10 bodyguards, including Jivaji Mahalar, Sambhaji Kavji, Yashaji Kanak, Krishnaji Kaikwad, and Sindhi Siddhi Ibrahim, and others. We all know that there was a condition that uh, when they will meet, when both of them, Afzal Khan and Shivaji, will meet, they will uh, take with them one servant. So they have to take. विथ शिवाजी वन सर्वेंट और वन हिज़ ऑफ सरदार वॉज वकील पंड पंताजी गोपीनाथ एंड टेन अदर बॉडी गार्ड्स द नेम ऑफ दि सम बॉडी गार्ड्स ए हैव गिवन यू जीवाजी महालार संभाजी कवजी यशाजी कनक एंड कृष्णाजी गायकवाड़ एंड सिद्धि इब्राहिम ओके दिस वी सम बॉडी गार्ड्स अमांग दि टेन Who accompanied Shivaji in the meeting? After addressing his people, after making all the preparation, Shivaji moved to meet the Afzal Khan at the decided place. You all know which was that place. Yes, one of the marches at Pratapgarh, where a beautiful shamiyana was constructed for the meeting of Afzal Khan and. Shivaji. Okay, now let's see what happened further. When Shivaji reached the Shamiana, he saw Khan had already arrived. He was busy planning his future moves. Standing by his side was an armed soldier, sayyid by name. He was highly skilled in the use of tanpatta. Shivaji came to the interest of the Shamiana but on seeing sayyid he stopped. and would not proceed further. The Khan asked Shivaji's vakil why Shivaji stood at the entrance instead of coming in. जैसे ही शिवाजी शामियाना में पहुंचे या शामियाना के इंटरेस्ट तक पहुँचे उन्होंने देखा कि अफजल खान पहले से ही वहाँ पे मौजूद था वो कुछ प्लानिंग कर रहा था फ्यूचर की कि कैसे शिवाजी को पकड़ना है या क्या क्या करना है वो सब उसकी प्लानिंग चल रही थी तब शिवाजी ने ये और एक चीज़ नोटिस की कि अफजल खान के बगल में एक आर्म्ड सोल्जर था हथियार बंद सिपाही था जिसका नाम था बड़ा सैयद और ये बड़ा सैयद बहुत ही माहिर था बहुत ही स्किल्डफुल था दान पट्टा यूज़ करने में जो दान पट्टा है यह हथियार यूज़ करने में या इसे चलाने में वो बहुत माहिर था तो शिवाजी ने जैसे ही इस बड़े सैयद को गेट से देखा कि ये शामियाना में है अफजल खान के बगल में खड़ा तो शिवाजी ने अंदर जाने से मना किया ये देखते ही अफजल खान ने शिवाजी के वकील से पूछा क्यों शिवाजी क्यों खड़ा है वो अंदर क्यों नहीं आ रहे वो बाहर ही क्यों खड़े तो अब देखते हैं कि इस सवाल का जवाब शिवाजी के वकील ने क्या दिया द वकील सेट ही इज़ अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद प्लीज़ आस् हिम टू गो अवे बड़ा सैद मूड अवे एंड शिवाजी स्टेपड इन द खान गॉट अप एंड सैड कम शिवाजी राजे लेटर्स एंड बर्स ईच अदर एंड मार्क हैज़ अ मार्क ऑफ अवर फ्रेंडशिप जैसे फिर वकील ने जवाब दिया कि ये जो बड़ा सैयद है उससे डरते हैं शिवाजी प्लीज़ आप उनको जाने के लिए बोले यहाँ से तो बड़ा सैयद जैसे ही शामियाने से बाहर आया शिवाजी अंदर आए क्या आपको सच में लगता है कि शिवाजी इस बड़े सैयद से डरे होंगे नहीं ना यस ये शिवाजी की एक चाल थी क्योंकि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कि शिवाजी अकेले और अफजल खान अकेले ही एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर ये बड़ा सैयद अफज़ल खान के साइड में क्या कर रहा था ओके बगल में क्या कर रहा था तो इसीलिए अफजल खान को Uh, मतलब बड़े सैयद को वहाँ से दूर करने के लिए और ये बताने के लिए अफजल खान को कि मैं डर रहा हूँ आपसे मैं आपसे डरता हूँ तो प्लीज़ ये इस इस बड़े सैयद को आपसे दूर रखिए मुझे आपसे तो डर लगता है और बड़े सैयद से तो इस बड़े सैयद को आपसे दूर रखेंगे या इसे बाहर जाने के लिए कहेंगे तो ही मैं अंदर आऊँगा अगर शिवाजी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते कि शर्त के हिसाब से या शर्त के अनुसार हमको अकेले में मिलना है तो अफजल खान शायद तैयार नहीं होता ओके okay? मिलने के लिए इसीलिए ऐसी चाल चली शिवाजी ने कि जिससे अफजल खान को यह लगा कि शिवाजी डर रहा है तो उन्होंने अफजल खान ने क्या किया कि बड़े सैयद को कहा गया कि तू तो चले जाए यहाँ से नो प्रॉब्लम आई विल मैनेज हिम अलोन क्योंकि जैसे उन्होंने शिवाजी को देखा तो उनसे काफ़ी हाइट बॉडी में काफ़ी छोटे थे तो वो खुश हो गए कि नो प्रॉब्लम आई विल मैनेज और उन्होंने बड़े सैयद को वहाँ से दूर जाने कहा आप देख सकते हैं कि शिवाजी का शिवाजी के जो वकील थे पंताजी गोपीनाथ वो भी बाहर खड़े राइट तो जैसे ही शिवाजी ने इंट्रेंस मतलब अंदर इंट्री ली अफजल खान अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने शिवाजी से कहा आइए शिवाजी राजे कम एंड शिवाजी राजे लेटर्स एम्बर्स ईच अदर हैज़ अ मार्क ऑफ फ्रेंडशिप आइए हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं इन दिस पैराग्राफ रीड वॉट एक्चुअली द स्ट्रगल विद द खान शिवाजी महाराज कॉन्शियसली टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड खान टुक हिम इन इज एम्बर्स शिवाजी बहुत ही सावधानी पूर्वक या सावधानी से खान की तरफ बढ़े जय और खान ने उनको अपनी बाहों में ले लिया या उनसे वो गले मिले या मराठी में आलिंगन इन इंग्लिश वी कैन से द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ टू होल्ड सम वन इन द आर्म्स गले मिले ओके okay, दोनों एक दूसरे से गले मिले कंपेयर टू द जाइंट खान शिवाजी वॉस शॉर्ट ही रीच ओनली ओनलीज़ फार एज़ खान चेस्ट कम्पेयर टू श कंपेर टू अफजल खान शिवाजी वॉज वेरी शॉर्ट वो उनके सिर्फ कंधे तक या उनकी छाती तक ही पहुँच पा रहे थे आप देख सकते हाइट में कितना फर्क है दोनों के राइट जैसे ही वो गले मिले तो खान ने आगे क्या क्या देखिए एट द सेम मोमेंट खान हेल्ड शिवाजी इज नेक इन हिज आयन ग्रिप एंड स्टैबर्ड हिम ऑन द साइड विथ हिज ड्रैगन जैसी खान ने शिवाजी से गले मिले उनको जोर से कस लिया अपनी बाहों में और आयन ग्रिप मतलब एकदम मज़बूत बाहों में एकदम बोलते ना एकदम जोर से पकड़ लिया उनको और स्टैपर्ड हिम ऑन साइड विथ हिज ड्रैक और उनके ऊपर बहुत जोर से स्टैप्ड मतलब हम उस आ, 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 बोल सकते हैं उसे आ, चूरा खूपा ओके छुरा खुपा, ड्रैगर्ड मतलब कटार या नुकेली धार वाली कोई छुरी ओके okay? उससे उनको शिवाजी को उन्होंने जोर से मारा इट टॉन अ पार्ट ऑफ शिवाजी इज रोप बट द कोट ऑफ मेल अंडर निथ सेव हिम इतनी जोर से उस चाकू से अफजल खान ने शिवाजी को मारा कि शिवाजी की जो बहुत बड़ी ड्रेस थी ये जो ड्रेस पहनी थी ये ड्रेस फट गई लेकिन ये जो अंडर शिवाजी ने अंदर ये जो कोट ऑफ माइल पहना था ओके जालीदार लोखंड का एक कवच पहना था उसके कारण शिवाजी बच गए अंडरनीथ मतलब अंदर पहना हुआ सेव्ड हिम ओके शिवाजी नोइंगली दैट खान वाज ट्राइंग टू किल हिम क्विकली थ्रस्ट अ वाक इन खान स्टमक। शिवाजी को पता चल गया कि अब खान उनको मारने वाला है या उनकी जान को खतरा है खान से तो शिवाजी ने तुरंत अपने जो वाघ ये जो वागनक है, जो उन्होंने छुपा के रखे थे अपने हाथों के पंजे में तुरंत निकाल के खान के पेट में उसे घुसा दिया या जोर से मारा राइट ड्रॉइंग आउट बिछवा विथ हिज राइट हैंड ही ड्रू इट इन टू खान स्टमक एंड टोन अपार्ट हिज गट्स और दूसरे हाथ से बहुत तुरंत एकदम चलद तरीके से बिछवा जो उन्होंने छुपाया था उसे वो भी निकाला और खान के पेट में मारा और खान के जो गट्स गट्स मतलब हम बोल सकते आतड़िया या इंटेस्टाइल्स को ही निकाल लिया बाहर से इतने जोर से उन्होंने उसको बाहर पूरे पेट को फाड़ दिया खान के द वडेड खान फेल डाउन खानस वकील कृष्णाजी भास्कर केम फॉरवर्ड एंड अटैक शिवाजी विथ हिज सॉट बट शिवाजी किल्ड हिम विथ वन स्ट्रोक ऑफ पट्टा जैसे ही खान जख्मी होकर ज़मीन पे गिर गया खान के वकील कृष्णाजी भास्कर आए और शिवाजी पे उनको उन्होंने अटैक किया शिवाजी ने एक झटके में अपने दान पट्टे से अपने दान पट्टे से इस वकील के ऊपर प्रहार किया किसके वकील के ऊपर अफजल खान के वकील के ऊपर और उसको गिरा दिया राइट right? व्हेन बड़ा सैयद हर्ड द शाउट्स एंड नॉइज़ ही रश्ड इन टू द शामी जैसे ही बड़ा सैयद जो बॉडी गार्ड था राइट right? जिसे शिवाजी ने बाहर निकाल दिया था मीटिंग रूम से शामी आने से वो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो तुरंत भाग के अंदर आया और देखा उसने क्या हुआ हैज़ ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक शिवाजी जैसे ही वो शिवाजी पे अटैक करने वाला था शिवाजी मल्लार केम बिटवीन देम एंड किल्ड बड़ा सैयद विथ वन स्ट्रोक जैसे ही उसने शिवाजी को मारने के लिए किसने बड़ा सैयद मारने के लिए अंदर आया शिवाजी मल्लार जो एक बॉडी थे शिवाजी के वो शिवाजी और बड़ा सैयद के बीच में आ गए और उन्होंने बड़ा सैयद पर एक ही प्रहार से वार किया और बड़ा सैयद मर गया बिकॉज ऑफ जीवा शिवा वॉ सेव बिकेम अ कॉमन सेंग आफ्टर ये जो कॉमन सेव सेंग मतलब बोलते बोध कहावत बन गई कि बिकॉज ऑफ जीवा शिवा वॉ सेव जीवा यहाँ पर है जीवाजी जी मल्लार और शिवा मतलब शिवाजी ये थे इसके लिए शिवाजी बचे ऐसी कहावत बाद में आई बिकेम कॉमन आफ्टर बिकेम अ कॉमन सेंग आफ्टरवर्स संभाजी कव जी डिस्प्लेड अ ग्रेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फ्लिक्स संभाजी कव जी जो थे बाहर एक और बॉडीगार्ड थे इन्होंने इस युद्ध में बहुत ही पराक्रम दिखाया और ये जो भी युद्ध हुआ छोटा मोटा राइट वो युद्ध में या इस लड़ाई में संभाजी कव जी ने भी बहुत बड़ा शौर्य प्रस्तुत किया या बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक और बार आपको ये शॉर्टली एक्सप्लेन करती हूँ जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा वो जैसे ही शिवाजी खान की तरफ बढ़े वो बहुत ही सावधानीपूर्वक बढ़ रहे थे खान ने उनको अपनी बाहों में ले लिया अपने आलिंगन में ले लिया राइट कस के उनको अपने बाहों में पकड़ लिया और उनके ऊपर वार किया शिवाजी के ऊपर एक नोकीले चाकू से शिवाजी के कपड़े फट गए और शिवाजी को कुछ लगा नहीं क्योंकि शिवाजी ने अंदर ये ऐसा जालीदार कोट ऑफ मेल पहना था कवच पहना था लेकिन अब शिवाजी के ध्यान में आ गया कि अफजल खान उनको मारना चाहता है शिवाजी को अफजल खान की चाल समझ गई शिवाजी ने बिना वक्त गवाए अपने हाथ में जो वाक नख पहने थे उससे पलटवार किया अफजल खान पर और उसके पेट पे ज़ोर से मारा दूसरे हाथ में जो उन्होंने बिछवा पहना था उससे भी शिवाजी ने अफजल खान के पेट पर पे वार किया क्योंकि अगर आप हाइट देख सकते हो यहाँ पर तो हाइट के हिसाब से उनके हाथ शिवा अफजल खान के गर्दन तक नहीं जा सकते पेट में वो उनको बराबर से मार सकते हैं इसके लिए शिवाजी ने उनके पेट पे प्रहार किया ज़ोर से एक प्रहार बिछवा से किया और दूसरा वाग से और अफजल खान के पेट को ही फाड़ दिया जख्मी हालत में अफजल खान ज़मीन पे गिरा ये देखते ही अफजल खान का एक वकील कृष्णाजी भास्कर दौड़ के आए शिवाजी पे वार करने के लिए लेकिन शिवाजी ने दान पट्टे के प्रहार से वकील को मार गिराया आवाज़ सुनकर बड़ा सैयद भी भाग के अंदर आया शिवाजी पे वार करने के लिए लेकिन तभी शिवाजी और बड़ा सैयद के बीच में जिवाजी मल्हार जिवाजी महान ये आके बीच में खड़े हो गए और उन्होंने बड़ा सैयद को एक ही झटके में एक ही प्रहार में मार गिराया ऐसे कहा जाता है कि जीवा थे इसके लिए शिवा बचे बिकॉज ऑफ़ जीवा शिवा वॉर सेठ ओके ये बहुत मशहूर कहावत बन गई महाराष्ट्र में इसके बाद एक और सरदार थे संभाजी कव जिन्होंने इस युद्ध में बहुत बड़ी पराक्रम या शौर्य बताया इस कॉन्फ्लिक्स या छोटे युद्ध में होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ द राउट ऑफ अफजल खांस आर्मी राउट मीन्स टू डिफीट सम वन कंप्लीटली किसी की किसी को पूरी तरीके से या पूरी तरह से परास्त करना या किसी का पराजय करना ओके okay? इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि शिवाजी ने किस तरीके से अफजल खान को ही नहीं बट अफजल खान की पूरी सेना को कैसे हराया या कैसे वहाँ से मार भगाया ओके दस विद a ट्रंपल शिवाजी वेंट अप टू द फोर्ट द गन्स ब्लूम्ड एंड गेव द सिग्नल ऑन द इंस्टेंट शिवाजी इज came केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग एंड अटैक द army. आर्मी शिवाजी अपने ट्रमफल्ड ट्रमफल्ड मतलब सक्सेस के साथ आगे बढ़े और किले की तरफ बढ़ते गए सबको पता है कौन से किले की तरफ वो हो बड़े होंगे यस प्रतापगढ़ की तरफ वो बढ़े जैसे वो आगे जा रहे थे आगे गन फायरिंग हो रही थी ये गन फायरिंग छुपे हुए शिवाजी के सेना के लिए इशारा था कि अब आप सब बाहर निकलिए अपनी अपनी जगहों से और खान की आर्मी पे अटैक कीजिए और वैसे ही हुआ जैसे ही गन फायर्स हुए जो ट्रूफ मतलब आर्मी या सैनिक जो छुपे थे सब बाहर आए और अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आए और खान की आर्मी पर टूट पड़े अफजल खान की आर्मी पर टूट पड़े द खान्स आर्मी वॉज

इन दिस कॉन्टेक्स वी कैन टेक ट रैन मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिटेशन बहुत बड़ी मुसीबत या एक संकट से घिर गई ओके दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइफ्स दे यर स्टैंड फॉर द आर्मी ऑफ अफजल खान अफजल खान आर्मी वॉज ट्रैप्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय मराठा आर्मी और बाय मराठा ट्रूफ सो दे नॉट एबल टू रन द एंड सेव देर लाइफ मराठा ट्रूफ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया मराठा सरदारों ने या मराठा आर्मी ने कि वो अपनी जान बचाकर भी वहाँ से भाग नहीं पाए द मराठा ट्रूफ चेज दैम इन हॉट पर सूड एंड डिस्ट्रॉय द होल खान्स पावरफुल आर्मी मराठा सरदारों ने या मराठा आर्मी ने इन अफजल खान की आर्मी का बहुत जुनून के साथ जोश के साथ खुस्से के साथ पीछा किया और उनको वहाँ पर ही मार गिराया मतलब किसी को भी वहाँ से भागने या जिंदा बचने बच निकल के जाने नहीं दिया ओके okay? फजल खान अफजल खान सन हु एस्केप विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड रीच बीजापुर फज़ल खान जो अफज़ल खान का बेटा था वो युद्ध भूमि से खुद को बचाते हुए पहुँच गया बीजापुर जैसे तैसे उसने खुद को बचाया और बीजापुर जा पहुंचा। हिज अकाउंट ऑफ डिज़ास्टर्स कैंपेन स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर लेकिन इनकी जो हार हुई थी अफजल खान की इस हार के बारे में अब बीजापुर में बातें होने लगी सबको पता चल गया कि अफजल खान को किस तरीके से शिवाजी ने मारा और उसकी सेना को कैसे वहाँ से मार भगाया शिवाजी दस हम्बल्ट द मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ बीजापुर कोर्ट इससे सबको ये पता चला कि शिवाजी ने एक बहुत बड़े बीजापुर के सरदार अफजल खान को हराया हम्बल्ट यहाँ पे बोल होता है नम्र और विनम्रता के साथ लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किस बहादुरी के साथ किस चतुराई के साथ बीजापुर के एक सरदार को शिवाजी ने हराया हिज फ्रेम स्प्रेड एवरीवेयर द सॉन्ग्स ऑफ हिज एक्सप्लोयड व हर्ड इन दिल्स एंड वैलीज़ ऑफ़ सयाद्री हिज मतलब शिवाजी अब शिवाजी के जो पराक्रम है फ्रेम पराक्रम शौर्य की बातें सब जगह फैल गई उस पराक्रम के ऊपर गीत लिखे गए उनके पराक्रम के ऊपर गीत लिखे गए और ये गीत सयाद्री के पहाड़ों में गूंजने लगे ओके okay? हमने इस लेसन से क्या सीखा कि शत्रु को हराना हराने के लिए ना सिर्फ शक्ति का हमें प्रयोग करना चाहिए बट हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और सही समय पर उस बुद्धि और शक्ति इन दोनों का उपयोग करके शत्रु को हराना चाहिए ओके विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर chapter number 9 pratapgarh makes history hope you all have understood what i have explained to you so please do subscribe to my channel share and like my videos till then take care bye to all